आपको अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जानकारी पहुंच जाए, और शेयर दूसरों को जरूर करिएगा। दोस्तों, आज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी ऊपरी श्वास नली के दो ऐसी बीमारियों के विषय में आपको बताऊंगा जिसको अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझदारी रहे और आप अगर घर में रहें तो उसको स्वयं ठीक कर सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं कि वो दोनों बीमारियां क्या है। तो आइए हेडिंग डालते हैं, वो बीमारियां हैं पहला फेरिंजाइटिस और दूसरा लैरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस और लैरिंजाइटिस ये दोनों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है। ये दोनों जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है। तो आइए सबसे पहले फेरिंजाइटिस के विषय में जानते हैं। इसको हम लोग गलकोश प्रदाह भी बोलते हैं हिंदी में, गलकोश प्रदाह। और इसका कॉमन जो हम लोग भाषा है यूज करते हैं वो है सोर थ्रोट। और इसको हम लोग बोलते हैं स्वर कोश प्रदाह। और इसको आम भाषा में आवाज बजना भी बोलते हैं। यानी इसमें आपकी आवाज खराब हो जाती है, वॉइस बिगड़ जाती है और या तो उसकी पीच कम हो जाती है। तो हमारे गले के अंदर एक जो जगह है उसको लोग फेरिंग्स बोलते हैं, जिसको एक्चुअली में हम लोग थ्रोट भी बोल सकते हैं। फेरिंग्स ही वो जगह है जहां पे हमारी नेजल कैविटी, नाक का जो ओपनिंग है, और ओरल कैविटी जो माउथ की ओपनिंग है, जो मुंह का जो ओपनिंग है, वो दोनों वहीं जाके खुलता है। यही एक जगह फेरिंग्स होता है और इसी में सूजन फेरिंजाइटिस कहलाता है। कारण क्या है? कारण है सबसे पहले वायरस, कि किस वायरस के कारण ये होता है। सबसे पहले होता है वायरस। वायरस में आपको इन्फ्लुएंजा वायरस। दूसरा होता है एडिनो वायरस। तीसरा होता है राइनो वायरस। और चौथा होता है आपको रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, RSV, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। ये चार वायरल कारण है जिनके द्वारा ये बीमारी फेरिंजाइटिस होता है। बैक्टीरिया से, जीवाणु से भी होते हैं, जीवाणु से होते हैं। इसमें आपको स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये दो होते हैं, बेसिलस भी होते हैं। तो ये बैक्टीरिया के कारण, कभी कभी फंगस के कारण भी होते हैं, लेकिन लेस कॉमन, बहुत कम। के लक्षण के विषय में, तो इसका लक्षण होता है गले में सूजन, गले में दर्द, घोटने और निगलने में दर्द, साथ में छींक और सर्दी, नाक से पानी आना, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में सोर थ्रोट बोलते हैं, और साथ में ये सारे लक्षण कॉमन इन्फ्लुएंजा में, जिसको कोल्ड एंड फ्लू बोलते हैं, उसमें मिलते हैं। ट्रीटमेंट में हम बात करते हैं तो सबसे पहले होता है हॉट वाटर गार्गल, मतलब गर्म पानी से कूला करना, गर्म पानी से गलाला करना विथ सॉल्ट, नमक के साथ।
विथ सॉल्ट। गर्म पानी से जब दो या तीन बार आप गलाला करते हैं तो गले का सूजन बहुत ही कम हो जाता है। तीसरा दूसरा होता है आपको हर्बल टी, जिसमें आप तुलसी का पत्ता, तुलसी पत्ता प्लस पीपर काली मिर्च, पीपर प्लस सॉल्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन का हर्बल टी आता है। तीसरा स्टीम इनहिलेशन भाप लेना, इसमें मेडिसिन आप डाल सकते हैं यूकलिप्टस आयल या मार्केट में जो मिलती है गोली आपको, सीनारेस्ट भैपो कैप, सीनारेस्ट भैपो कैप या कार्बोल प्लस, इन दोनों के कैप्सूल कोई भी एक लेके आप पानी में डाल दें गर्म पानी में और इसका भाप लें। मेडिसिनल ट्रीटमेंट में अगर आप आते हैं वायरस इन्फेक्शन है तो कोई भी एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है तो कोई भी एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, नो एंटीबायोटिक्स, नो एंटीबायोटिक्स इन वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में कोई भी एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर कॉमन कोल्ड फ्लू के कारण, इन्फ्लुएंजा के कारण, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस के कारण कोई सिम्टम्स आया है तो लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण अगर फेरिंजाइटिस हुआ है तो एंटीबायोटिक्स लेना है, तब एंटीबायोटिक्स लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। केवल पेन किलर लेना है, पेन किलर, पेन किलर लेना है प्लस एंटी एलर्जिक लेना है, एंटी हिस्टामिनिक लेना है, एंटी हिस्टामिनिक, यही दो दवाई वायरस में लेना है। वायरल अगर इन्फेक्शन है एंटी हिस्टामिनिक लेना है, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो पेन किलर के साथ एंटी हिस्टामिनिक लेना है। पेन किलर में आप आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफेनेक यूज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड डोज में 3 या 4 दिन ले सकते हैं, शॉर्ट कोर्स में ले सकते हैं। बुखार है तो बुखार इससे भी उतर जाएगा, अदरवाइज आप पैरासिटामोल ले लीजिए। एंटीबायोटिक्स में सबसे ज्यादा काम करता है एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन जो एजिथ्रल ग्लैंड के नाम से आता है, उसके बाद से आता है एमोक्सिक्लेव, एमोक्सिक्लेव, और अगर एमोक्सिक्लेव जो है क्लेवम अगोमेंटिन मेगा सीवी के नाम से आता है, और लिनेजोलिड एलएनजे, लिनेजोलिड एलएनजे नाम से आता है। ये 3-4 एंटीबायोटिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अगर बैक्टीरियल है, तब वो भी डॉक्टर की देखरेख में, जब आपको लगे कि बैक्टीरियल है 3 दिन में ठीक नहीं हुआ तो आप डॉक्टर से भेंट करेंगे, उसके बाद ये दवाइयां लेंगे। अगर बुखार है, इसमें बुखार भी लक्षण में रहता है, अगर बुखार है तो आपको पैरासिटामोल का गोली 6-6 घंटे पे लेते रहना है। लेरिंजाइटिस, इसको हम लोग स्वरकोश प्रदाह बोलते हैं, स्वरकोश प्रदाह, स्वरकोश प्रदाह, और आवाज बजना भी बोलते हैं, आवाज बजना। इसमें क्या होता है लेरिंजाइटिस में, एक ऑर्गन हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है लैरिंग्स, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जिसकी सहायता से हमारी आवाज निकलती है, वॉइस बॉक्स, जिसकी सहायता से हमारी आवाज निकलती है, और इसी वॉइस बॉक्स में लैरिंग्स में सूजन होना, सूजन, दर्द, आवाज में तब्दीली, आवाज में बदलाव, यही जो है लैरिंजाइटिस कहलाता है। आवाज बदल जाती है, आवाज बच जाता है या हम बोल नहीं पाते हैं तो इस स्थिति को लैरिंजाइटिस बोलते हैं, स्वरकोश प्रदाह बोलते हैं। इसका कारण भी वायरस है, बैक्टीरिया है और ट्रॉमा है। वायरस में वही सेम है, आरएसवी है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है। बैक्टीरिया में भी स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, एच इन्फ्लुएंजी है, और ट्रॉमा में चोट लगने के कारण, किसी एक्सीडेंट में गले में चोट लगने के कारण, या अधिक बोलने के कारण, अधिक गाना गाने के कारण, अधिक भाषण देने के कारण अगर गले में किसी प्रकार की बदलाव होगा तो वहां से भी लेरिंजाइटिस होता है। इसको ट्रॉमा इंड्यूस्ड लेरिंजाइटिस बोलते हैं, जहां से आवाज बदल जाती है। अक्सर गायक और भाषण देने वाले लोगों की आवाज बदल जाती है,
तो ये इसके कारण हो गए। और इसके लक्षण, आवाज में बदलाव, गले में दर्द, घोटने में दिक्कत, और बुखार, ये इसके लक्षण होंगे। ट्रीटमेंट, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट और मुख्य जो है वो है रेस्ट, ऑफ वॉइस, आवाज को एकदम आराम दे देना, बोलना नहीं, अगले 24-36-72 घंटा एकदम बोलना नहीं है, आवाज एकदम मुंह से नहीं निकालना है, तो है रेस्ट। दूसरा है हॉट वाटर गार्गल विथ सॉल्ट, जो हम पिछले आपको एंजाइटिस में ही बताए थे। और तीसरा स्टीम इनहेलेशन, इसमें भी फायदा करता है, दवा के साथ स्टीम इनहेलेशन। अब आती है दवा के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो सबसे पहले इसमें पेन किलर, वही आइबुप्रोफेन सबसे सेफ है, उसके बाद से डाइक्लोफिनेक, फिर एसिक्लोफिनेक लेते हैं, साथ में एंटी हिस्टामिनिक जैसे आपको सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन आप ले सकते हैं, एल्डे एलिग्रा 120 ये सब ले सकते हैं। और बुखार है तो साथ में पैरासिटामोल, जब भी बुखार आए तो आप ले सकते हैं। अगर वायरल है तो इसी से ठीक हो जाएगा, 3 दिन इंतजार करना होगा, फिर ज्यादा अगर हो गया तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना होगा, जिसमें टेस्ट होती है लैरिंजियोस्कोपी, लैरिंजियोस्कोपी एक टेस्ट होती है, इसको कराना पड़ेगा। उससे हम लोग गले के अंदर का स्वाब लेते हैं, स्वाब वहां का जो सिक्रेशन होता है स्वाब के थ्रू लेते हैं और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। उसमें अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है तो उसके अनुसार एंटीबायोटिक चलता है, और ट्रॉमा में जितनी चीजें उसको बचाना होगा। कभी कभी लैरिंजाइटिस जो है ट्यूबरकुलस के कारण भी होता है, टीबी के कारण भी होता है, टीबी ट्यूबरकुलस भी होता है, तो जब हम वहां से स्वाब लेते हैं या बायोप्सी करते हैं तभी हमको इस टीबी के विषय में पता चलता है। जब लक्षण 3 दिन से 10 दिन में भी नहीं ठीक हुआ, 10 से 15 दिन में भी एंटीबायोटिक थेरेपी से ठीक नहीं हुआ, तो 15 दिन बाद हम टीबी के विषय में सोचते हैं, गले की टीबी के विषय में, लैरिंग्स के टीबी के विषय में, हम सोचते हैं। जब 15 दिन बाद ठीक नहीं हुआ तो वहां से हम स्वाब कल्चर और बायोप्सी लेके टेस्ट कराते हैं, अगर टीबी का टेस्ट पॉजिटिव आया तो 9 महीने एटीटी लेने के बाद ही हमारे आवाज में तब्दीली होगा, जो नॉर्मल वॉइस होगा होगा, नहीं तो वॉइस आवाज 9 महीने तक फंसा रहता है। तो दोस्तों ये था लैरिंजाइटिस और फेरिंजाइटिस। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू दोस्तों।